सवाल हमारे जहन में है, आपके जहन में, उसका जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ स्टूडियो में। आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। इस वक्त स्क्रीन पर आपको मनोज काका नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। और आपको स्टूडियो में सत्य प्रकाश जी दिखाई दे रहे हैं, जो की जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये दो साथी तो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि बाहर से हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं। आपको दो इस वक्त नए चेहरे नजर आ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले तहसीन पुनावाला आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। तहसीन, बहुत बहुत स्वागत है। टीडीपी से ज्योत्सना तिरुनगरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है ज्योत्सना आपका। और आरजेडी से सारिका पासवान आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। सारिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत जो है सारिका जी, मैं आपसे करना चाहूंगी। एक तो लेडीज फर्स्ट भी, और दूसरा आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि ये क्या झुंझुना पकड़ा दिया है, मंत्रालय झुंझुने होते हैं क्या? नहीं रूपिका जी, बहुत धन्यवाद आपको पहले मौका देने के लिए। और देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो बात कही है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो केंद्र में सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, जो कि सबको पता है कि वो चार पहिए पे, यानी चार बैसाखियों के सहारे वो बनी है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, और ना जाने क्या क्या उन्होंने कही थी, और मोदी जी आज खुद ही पूर्णता नहीं आ पाए, मोदी जी को सहारा लेना पड़ा। कल तक जो मोदी जी एक फ्रेम में दिखाई देते थे इकलौते, आज उसी फ्रेम में और भी कई चेहरे आज दिख रहे हैं। ये एक लोकतंत्र की ताकत है, मजबूती है, और बड़ा खूबसूरत तस्वीर भी मैं तो कहूंगी। और जो बातें आज आप, हम विषय जिन पे आज चर्चा कर रहे हैं कि भाई झुंझुना पकड़ा दिया गया, इसके पहले भी तो जब बिहार ने इनको 39 सांसद दिए थे केंद्र में, सरकार जब बनी थी तब हमारे बिहार से कई लोग थे जिनको कई मंत्रालय मिले थे, तब उन लोगों ने बिहार के लिए क्या किया, प्रश्न ये है बहुत बड़ा। ये नहीं प्रश्न है कि किसको क्या मिला, क्या दिया गया, मोदी जी ने किस समीकरण को साधा, चिराग जी को मंत्रालय दिया, उन्होंने ललन सिंह जी को मंत्रालय दिया, मांझी जी को क्या दिया, विषय ये नहीं है। दो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पहले भी पहला आपने क्या कहा कि ये जो है बैसाखी वाली सरकार है, तो जब बैसाखी वाली सरकार होगी तो वो सारे मजबूत मंत्रालय अपने पास कैसे रख सकती है, फिर तो वो डर के रहेगी ना, फिर तो वो कांप कर रहेगी। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है झुंझुना, या फिर झुंझुना पकड़ाएगी, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, या तो कहिए कि ये मजबूर सरकार है, या फिर जो आप कह रही हैं झुंझुना पकड़ा गया, तो इसका मतलब मजबूत सरकार है कि जो मुझे पसंद मैं अपने पास रखूंगा और उस और बाकी जो है अपने साथियों में बांट दूंगा। नहीं नहीं, ये मजबूत सरकार तो कहीं से दिखता नहीं है, मजबूर सरकार है बिल्कुल ये दिखता है, और ये डर और ये दहशत आज भाजपा के तमाम नेताओं के चेहरे पे भी दिखाई दे रही। इन्हें भी पता है कि कल की सुबह हम उठेंगे तो हम इस सत्ता में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, कल हम प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं, आज हम मंत्री हैं कल हम मंत्री रहेंगे या नहीं रहे, और यही कारण है कि हम बोल रहे हैं कि ये मजबूत नहीं, ये मजबूर सरकार है। तो फिर सारे मजबूत मंत्रालय मनोज काका जी दे दिए जाने चाहिए थे ना, डर का अगर ऐसा आलम था, ये कांप रहे थे, इनकी कुर्सी जो है उसकी उसकी उसका पैर जो है ऐसे लंगड़ा हो गया था, तो फिर दे देते ना रक्षा मंत्रालय जैसे पिछली सरकारों में हुआ करता था, दे देते ना वित्त मंत्रालय, क्यों नहीं दिया फिर? देखिए, आपके कार्यक्रम का प्रारंभिक उद्बोधन मैं सुन रहा था, आपने बड़ा ही उसको शारीरिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से बड़ा वो समावेशी ठहराया। हालांकि ये आपके अपने आकलन हो सकते हैं, आप समावेशी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, सरकार को समावेशी ठहरा सकती, लेकिन इतना ही अगर अपोजिशन के लोग और जो लोग उनके गठबंधन में हैं, अगर एनडीए के और साथियों से इतना ही प्यार है तो उनको, मैं चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी जी को गृह मंत्रालय देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को रक्षा मंत्रालय अपने सहयोगी साथियों को देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि झुंझुना इसलिए कहा जाता है, देखिए वो एक बात है ना, नहीं मत्स्य पालन झुंझुना है। अब देखिए मत्स्य पालन, चूंकि मैं तो गांव गरीब किसान तो से आता हूँ, मैं जानता हूँ, आप भी समझती हूँ, पंचायती राज झुंझुना है। अब पंचायती राज क्या है आप जानते होंगे, मत्स्य पालन पर पहले बात कर लीजिए, मत्स्य पालन की हालात है, तो क्या वो गृह मंत्रालय के समक्ष है, क्या वो रक्षा मंत्रालय के समक्ष है, क्या वो कृषि मंत्रालय के समक्ष है, क्या वो कोई कुछ के समक्ष है, तो क्या चाहते हैं आप? 240 वोटों या सीटों वाली पार्टी जो है वो रक्षा मंत्रालय जो है वो दे दे अपने सहयोगी दलों को, है बस, बस आपने जो कहा मैं खत्म कर रहा हूँ,
आपने जो कहा वही मैं कहना चाहता हूँ। तो फिर लंगड़ी लूली सरकार कैसे हुई? वही जो आपने स्वीकार लिया, यही तो अधिनायकवाद है, यही तो सांप्रदायिकता है, यही तो सांप्रदायिकता है। सुनिए तो, यही तो सर्वश्रेष्ठ बने रहने की, और अभी यही तो सिर्फ बगल में जितेंद्र बाजी में मुस्कुरा रहे आदम भय और वो अहंकार है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी किसी से, वही हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को दफन कर देगी। जैसे वो एक समय में नीतीश जी का डीएनए चेक कर रही थी और नायडू साहब की पार्टी तोड़ रही थी, उसका समूचा चरित्र तो यही तोड़ने का और डीएनए चेक करने का। अरे भाई, तो उनको बेगानी शादी में तो नहीं दी रहे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको क्या करना है भाई? वो वहाँ पर भाई आपने गलत बात करा, फिर आपने गलत बात करा, आपको क्या मतलब है? ये बेगानी शादी लोकतंत्र का, अभी कम से कम आपको भागवत जी की बात सुनना चाहिए। सरकार एनडीए ने बनाई है, विरोधी मंत्रालय का बंटवारा एनडीए ने किया है, उनका सुनिए तो, आपको क्यों परेशानी हो रही है? बेगानी शादी कर, सत्यप्रकाश जी तो दुखी नहीं हो रहे हैं? लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति के माने हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या सरकार मनोज काका, ओके मनोज काका, आप क्यों अगर कोई मर्द और कोई टीडीपी यहाँ पर है, टीडीपी यहाँ पर है, सर सुनिए, टीडीपी यहाँ पर है और जेडीयू यहाँ पर है, दोनों मंत्रालय जिनको मिले हैं वो यहाँ पर मौजूद है ना, उनको बुलाया हुआ, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? और सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, अधिनायकवाद जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो ज्योत्सना जी मुस्कुरा रही। चिंता का इसलिए है कि देखिए, टीडीपी के साथियों ने भी कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष उनका बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2014 से समूचा चरित्र है। मनोज जी, मैंने ओपनिंग रिमार्क के लिए आपको अच्छा खासा मौका दे दिया सर, मौका दे दिया। ओके, तो जानते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी स्क्रीन पर, सुधांशु त्रिवेदी स्क्रीन पर, सुधांशु जी आपने सुना, बड़ी फिक्र हो रही है मनोज भाई को, बड़ी फिक्र हो रही है। यहाँ पर आरजेडी की हमारी साथी सारिका पासवान आई है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इतने घमंड में चूर हो गए हैं कि जितिन राम मांझी को रक्षा मंत्रालय नहीं दिया आपने। अमाता देखिए कितनी मजेदार बात है, लालू प्रसाद यादव जी, पहली बात मंत्रालयों को ये लोग अपने हिसाब से स्टेटिफिकेशन करते हैं, ये कहीं ना कहीं पुराने जमाने की जो अधिनायकवादी मानसिकता है उसके तहत है कि मैं ऊंचा और फला नीचा। मगर कितनी मजेदार बात है अगर उन्होंने ऐसा कहा। अरे मनोज जी, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर भी क्यों बोलने लगे? मैं कह रही हूँ अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मनोज जी, मैं वही कह रहा हूँ, बात तो सुनिए, मैं दोनों को टाइम में दे, अरे भाई सुनिए ना, रिमार्क दे देने दीजिए, चिल्लाने लगते हैं, सुनिए। मतलब लालू प्रसाद यादव जी यूपीए में रहे रेलवे, और जीतन राम मांझी का दिया रक्षा, मतलब आप मानते जीतन राम मांझी जो है वो लालू यादव से बड़े नेता है? बोलिए हाँ या ना। अरे आप हमारे सवालों को जवाब दीजिए, आप सहयोगियों को अच्छा मंत्रालय क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप इसका खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है जरा मुझे बताइए, आप खाद्य प्रसंस्करण में क्या होता है जरा मुझे, मेरा सवाल है बताइए ना। जीतन राम मांझी निश्चित रूप से नेता है और दलितों के वो आवाज उठाते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि उनका, हम लोग सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि आपका समय